फरिश्तों, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल वंस अगेन, नन्हे फरिश्ते। और बेटी, आप मुझे विश्वास है कि आपने जो कल हमने वीडियो डाली थी और जो उससे पहले डाली थी, उनमें आपने स्क्वायर्स काउंट करके एरिया और पेरीमीटर निकालना सीख लिया होगा, और आपने स्टैम्प्स भी लगाई होंगी, उनके पेरीमीटर काउंट किए होंगे। आई होप आपने ये एक्टिविटी की होगी, है ना बेटी? आज हम एक और गेम खेलने वाले हैं। रेडी टू प्ले? सो लेट्स गो। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी? मुझ में कितने स्क्वायर्स हैं? ये बच्चे तो खेल रहे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? द गर्ल इज आस्किंग, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? तो बच्चा जवाब दे रहा है, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 square centimeter, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। आप देख रहे हो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है बच्चे, एक रेक्टेंगल है ना, इसको ये डायगोनल डिवाइड कर रहा है। आपको मालूम है जब रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल होती है वो लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट कॉर्नर्स यहाँ पे इनको ज्वाइन करती है। इस डायगोनल से ये रेक्टेंगल 2 equal triangles में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो बच्ची पूछ रही है कि ग्रीन वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है, अब डायगोनल से ये रेक्टेंगल जो 2 square centimeter का था, ये हाफ ट्रायंगल उसका हाफ है। तो अगर रेक्टेंगल 2 square centimeter का है तो ट्रायंगल कितने का हो जाएगा? 2 1/2 centimeter, 1 square centimeter। द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 square centimeter, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर? 1 square centimeter, ठीक है? नेक्स्ट, इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? तो क्या ये वाली शेप जो कर्व में है, क्या ये इस बड़े रेक्टेंगल का हाफ है? तो ये बच्चा सोच में पड़ गया। सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे बच्चे। यहाँ पे ये डायगोनल नहीं है, ये कॉर्नर्स कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से कर्व में कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो ज़रा ब्लू वाली शेप का, ब्लू शेप में कितने ट्राइंगल्स, कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं? जब हमको बेटे ऐसी कोई शेप मिलती है जहाँ पर जो स्क्वायर्स होते हैं वो कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ़ कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोर देन हाफ काउंट करने होते हैं, फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर हाफ वो काउंट करने होते हैं, और फिर जो छोटे मोटे हाफ से भी कम कोई स्क्वायर कवर कर रही है वो शेप, उसको काउंट करना होता है। और हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स होते हैं उनको 1 square मानते हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर्स होते हैं उनको 1 square मानते हैं, और हाफ स्क्वायर तो हाफ होते हैं, 2 halves मिलके 1, और जो हाफ स्क्वायर से भी कम ले रहे हैं एरिया उस शेप में, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? सो इन दिस केस लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। दिस इज पेज नंबर 40, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। इस शेप में, ब्लू शेप में, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस स्क्वायर इज कंप्लीट, है ना? 1 square जो है वो कंप्लीट है, 1। नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर मोर देन हाफ, वो स्क्वायर्स बताओ जिनमें हाफ से ज़्यादा ब्लू कलर आया। देखो इस वाली, ये जो शेप है यहाँ पे, इस स्क्वायर में थोड़ी सी आई है, पर ये हाफ से भी कम है, इस स्क्वायर में हाफ से ज़्यादा है। सो 1 more than half, यहाँ भी मोर देन हाफ है, 2 more than half, और यहाँ भी मोर देन हाफ है, 3 more than half, ओके? नाउ नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, हाफ स्क्वायर्स कितने हैं जो पूरे हाफ कवर कर रहे हैं? जो ये वाला स्क्वायर है बेटे, इसमें ब्लू कलर कम है, वाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो हाफ से कम है। यहाँ भी
ये जो छोटा सा है इसमें भी ब्लू ज़्यादा है, वाइट कम है, ब्लू कम है, वाइट ज़्यादा है, यहाँ भी। तो इसका मतलब हाफ स्क्वेयर यहाँ पे ज़ीरो है, एक भी हाफ स्क्वेयर नहीं है और बाकी लेस देन हाफ है। नंबर ऑफ स्क्वेयर्स विच आर लेस देन हाफ, हाफ से कम वाले स्क्वेयर्स कौन से हैं? ये है वन और ये टू और ये थ्री, इनको हमें इग्नोर करना है बच्चे। जो लेस देन हाफ है उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो एरिया ऑफ ब्लू फिगर कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू वन कंप्लीट स्क्वेयर प्लस थ्री मोर देन हाफ स्क्वेयर्स प्लस हाफ स्क्वेयर इज ज़ीरो। सो एरिया इज वन प्लस थ्री फोर स्क्वेयर सेंटीमीटर। आपको समझ में आया बेटे? जब ऐसी कोई शेप होती है जिसमें डायरेक्ट आप पूरे कंप्लीट स्क्वेयर्स कवर्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप कंप्लीट स्क्वेयर्स गिन लो। वो जो शेप है वो कितने कंप्लीट स्क्वेयर, पूरा का पूरा किसी स्क्वेयर को कंप्लीट कवर कर रही है। उसके बाद आप स्क्वेयर विच आर मोर देन हाफ उनको गिन लो, फिर जितने हाफ हाफ आधा आधा स्क्वेयर कर रही है उसको गिन लो, और अगर वो हाफ से भी कम कोई शेप आ रही है किसी स्क्वेयर को कंप्लीट कर रही है वो, तो उसको काउंट कर लो। लेकिन जो लेस देन हाफ है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो मोर देन हाफ शेप थी उसमें मोर देन हाफ शेप में भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था ना। तो अगर यहाँ पे लेस देन हाफ है उसमें अगर हो रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है बच्चे? तो इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वैसे भी अगर हम देख लें तो जितना ये शेप यहाँ पे टू रेक्टेंगल्स में डिवाइडेड थी, जितना यहाँ से ऊपर गई है उतना ही यहाँ से इसने छोड़ दिया है। जितना एरिया यहाँ एक्स्ट्रा लिया उतना ही यहाँ पे छोड़ दिया है ना, और जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया उतना ही यहाँ पे छोड़ा उतना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। सो एक तरीके से ये जो रेक्टेंगल है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर्स का था, इसका ये हाफ है ब्लू शेप। तो 8 का हाफ कितना हो गया? 4। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। सो नाउ कम्स अनदर गेम। Write the area in square centimeter of the shapes below. अब ये जो shapes हैं इनका भी हमें area निकालना है square centimeter में, तो इसको भी वही करेंगे हम, completed squares plus more than half squares plus half squares, इनका जितना आएंगे उतना हम लोग उसका area calculate कर लेंगे। So let's first draw the squares inside so that it becomes easier for you. सबसे पहले हम कर रहे हैं calculate figure A. ठीक है, मैं ये स्क्वायर्स ड्रॉ कर रही हूँ बेटे ताकि आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। बहुत मज़ेदार गेम है, इसको करने में बहुत मज़ा आता है। बल्कि आप तो ग्राफ शीट पे बहुत सारी शेप्स बना बना के, कटोरी से सर्कल बना लिया, इरेजर से रेक्टेंगल बना लिया और उनके आपने वो काउंट कर लो। पहले सभी के कर लेते हैं बच्चे, हम सभी के स्क्वायर्स को ना वो कर लेते हैं, सो दैट A. Write the area in square centimeter of the shapes below. तो हम वही करेंगे, number of completed squares
प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, और वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे उतना हम कर लेंगे. ठीक है, फिगर ए. फिगर ए, एरिया ऑफ फिगर ए. इसमें कंप्लीटेड स्क्वायर्स कितने हैं बच्चे? काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर्स. ये तो हाफ से कम है, ये हाफ से ज़्यादा है, ये कंप्लीटेड है. 1, 2, 3, 3 कंप्लीटेड स्क्वायर्स. 1, 2, 3, 3 कंप्लीटेड स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ. ये वाला हाफ से कम है, लेस देन हाफ है ना बेटे. अगर ये इसको कॉर्नर ज्वाइन करता वो डायगोनल कंप्लीट होता. ये भी लेस देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है, थोड़ा सा बच गया था हाफ से ज़्यादा है ना. मोर देन हाफ, 1, 2 एंड 3. ओके, 1 मोर देन हाफ, 2 मोर देन हाफ एंड 3 मोर देन हाफ. 3 कंप्लीटेड स्क्वायर्स प्लस 3 मोर देन हाफ स्क्वायर्स प्लस लेस ऑल पूरे हाफ हाफ स्क्वायर्स. पूरा हाफ कोई भी नहीं है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, तो हमने हाफ से कम वाले तो लेने ही नहीं है. कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर्स प्लस हाफ स्क्वायर्स. ठीक है, अब इसको करो. 3 कंप्लीट स्क्वायर्स मीन्स 3 प्लस 3 मोर देन हाफ स्क्वायर्स ऑल्सो मीन्स 3. सो द एरिया इज 3 प्लस 3, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ फिगर ए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ फिगर बी. कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं इसके अंदर बेटे? 1, 2, 3, 4. 4 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ कितने हैं? हाफ से ज़्यादा. हाफ से ज़्यादा तो हमें कोई दिख नहीं रहा. ये हाफ है, ये हाफ है, ये लेस देन हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये लेस देन हाफ, हाफ हाफ, लेस देन हाफ, हाफ हाफ, तो मोर देन हाफ कोई नहीं है, तो हाफ ले लेते हैं. हाफ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 8 हाफ स्क्वायर्स. ठीक है, 4 कंप्लीट स्क्वायर्स मीन्स 4 प्लस 8 हाफ स्क्वायर्स हैं मीन्स 8/2. आधे है ना, दो आधे मिलकर एक पूरा बनता है. तो 8/2 मीन्स 2 1s are 2, 2 4s are 8. सो इट इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ फिगर बी इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ फिगर सी. एरिया ऑफ फिगर सी. फिगर सी में कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? 1, 2. 2 कंप्लीट है, ये मोर देन हाफ है दोनों, और ये लेस देन हाफ है, तो हम लेंगे कंप्लीट एंड मोर देन हाफ. 2 कंप्लीट स्क्वायर्स, 2 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 2 मोर देन हाफ स्क्वायर्स और हाफ कोई नहीं है, बाकी लेस देन हाफ है दोनों, है ना बेटा, उसको छोड़ देंगे. 2 कंप्लीट स्क्वायर्स मीन्स 2 प्लस 2 मोर देन हाफ स्क्वायर्स ऑल्सो मीन्स 2. सो द एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ फिगर ए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ फिगर बी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ फिगर सी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ द एरिया ऑफ फिगर डी. Area of figure D is equal to, let's count the number of complete squares. This is half,
complete, 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 half. So 1, 2, 3, 4, 5 complete squares. 5 complete squares plus 1, 2. 2 half squares. 2 half squares. So 5 complete squares means 5 plus 2 half squares means 2 ka adha, 2 by 2. जिसका भी हमें हाफ करना होता है उसको हम टू से डिवाइड करते हैं ना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. मम्मा एक रोटी को हाफ देना होता है, मम्मा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो टू वन से टू, टू वन से टू. फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स स्क्वेयर सेंटीमीटर. मज़ा आ रहा है ना. सो वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी फिगर्स. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फिगर ई. Area of figure E. Area of figure E. So let's see how many completed squares are there. See, this is half, 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 half. And 1 complete, 2 completed, 3 completed, 4 completed, 5 completed, 6 complete squares, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 complete squares. Right? How many complete squares are there? 18 complete squares plus how many half squares? More than half तो कोई नहीं था, हमने अभी देखा था ना बेटे. Half squares देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 half squares. 18 complete squares plus 6 half squares. So that means 18 complete squares means 18 plus 6 half means 6 divided by 2. 2 ones are 2, 2 threes are 6 is equal to 18 plus 3 is equal to 18 plus 3, 21. 21 square centimeter is the area of figure E. Okay, now the area of figure F. Area of figure F. So let's see, this is figure F. So this is less than half, more than half, more than half, complete, complete, less than half, less than half, complete, complete, more than half, more than half, less than half. So yahan pe hame kahin bhi half square nahi mila, hame ya to complete squares mile hai ya fir hame mile hai more than half squares. Theek hai, so let's see. So how many complete squares are there? 1, 2, 3, 4. 4 complete squares plus more than half kitne bache? 1, 2, 3, 4. 4 complete squares plus 4 more then half squares. 4 complete squares means 4 plus 4 more than half squares also means 4. That means 8 square centimeter is the area of figure F. मज़ा आया करने में? अब ऐसे आपके पिछले पेजेस थे ना बेटे ये वाले, यहाँ भी आपको हैन का एक्चुअल साइज़ बताए हुए हैं. हैन के पंजे का एक्चुअल साइज़ क्या है वो ये यहाँ पे बताए हुए हैं, और ये डॉग का जो पाव होता है उसका बताया हुआ है, और यहाँ पे भी एक किसी एनिमल का पाव, उसका जो पाव है उसके निशान हैं.
तो ये आपने एक्टिविटी करनी है, आपने खुद नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, इन्हें प्लस करना है और फिर आपको मालूम चल जाएगा इनका एरिया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गेम. वाओ, सच अ लवली गेम. तुम्हारी बुक बहुत अच्छी है यार, इसे बहुत सारे गेम्स हैं. ट्राइंगल्स. वाओ, ट्राइंगल्स को बनाने की कोशिश करो. सो यहाँ बच्चा बोल रहा है, बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया. ये बच्ची बोल रही है, इस रेक्टेंगल में टू ट्राइंगल्स हैं और मालूम है इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है. तो ये बच्चा बोल रहा है, बट दीज लुक वेरी डिफरेंट. लेकिन ये दिखने में तो बहुत अलग से लग रहे हैं. ये वाला ट्राइंगल, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है. लेकिन ये बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन इनका एरिया एकदम सेम है क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन्होंने इनके अंदर हैं. तो ये बच्चा बोल रहा है, ये इसका नाम है समीना, इसका नाम है सादिक. तो सादिक बोल रहा है, द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. फिर से पढ़ेंगे, द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. अब ये जो रेक्टेंगल है ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जो रेक्टेंगल है इसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. और ये जो ब्लू वाली लाइन है बेटा, ये डायगोनल है, ये इस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है ना ये वाली ब्लू लाइन. सो इसका मतलब जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये बड़े रेक्टेंगल का हाफ है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज, एक रेक्टेंगल है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का, उसको ब्लू ट्राइंगल उसका जो बिल्कुल हाफ है, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? यस, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन. अच्छा, ये बोल रहे हैं, मुझे तो आ गया. तो समीना बोल रही है, अच्छा ब्लू ट्राइंगल तो ठीक है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल? और रेड ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सो समीर सादिक बोल रहे हैं, इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. अगर आप इस ट्राइंगल को, रेड ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो बेटे, तो एक है ये वाला एरिया, ये एक रेक्टेंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है, और एक है ये वाला रेक्टेंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 8 स्क्वायर सेंटीमीटर के दो रेक्टेंगल्स को ये वाला ट्राइंगल डिवाइड कर रहा है. अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल है ना, तो ये वाला रेक्टेंगल को ये 12 स्क्वायर रेक्टेंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है. सो दिस इज 6, 12 का आधा 6. और जो इस साइड है, इस वाले पोर्शन में जो है, इसको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले रेक्टेंगल को भी आधा कर रहे हैं, तो 8 का आधा 4. तो यहाँ पे इन्होंने ना दिखाने के लिए रेड ट्राइंगल को क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स सादिक इज टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल? अब यहाँ पे जो रेड ट्राइंगल है, ये दो रेक्टेंगल्स को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, है ना बेटे? आपको बताने की उन्हें उसको डिफरेंट कलर कर दिया. यहाँ पे इसको कर दिया ऑरेंज, ये कर दिया ना ऑरेंज, और यहाँ पे कर दिया ग्रीन, दिस इज ग्रीन. अब आपको बताना है इसमें, इस रेड ट्राइंगल का एरिया कितना है. अब आप देख रहे हो ऑरेंज ट्राइंगल, जो पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इन द ऑरेंज रेक्टेंगल, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का हाफ कितना हो जाएगा बेटे? 6, है ना? तो ये वाला जो ट्राइंगल का, रेड ट्राइंगल का जो पार्ट ऑरेंज रेक्टेंगल में है, वो है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का. और जो ग्रीन रेक्टेंगल में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का आधा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का. इसका मतलब 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा.
एक बार फिर से समझो, हम लिख के देखेंगे अभी। तो ये देखो बेटा, जो ये ऑरेंज रेक्टेंगल है, ऑरेंज रेक्टेंगल का जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये इस ऑरेंज रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये ऑरेंज रेक्टेंगल था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका आधा हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ इन ऑरेंज रेक्टेंगल, दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ इन ग्रीन रेक्टेंगल, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का आधा 4। तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई शो यू, दिस इज पेज नंबर 41। क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनका दोनों का हमने एरिया निकालिए, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। सो द आंसर, लेट्स कैलकुलेट, जो रेड ट्राइंगल है, ये जो रेड ट्राइंगल है, इसका जो ऑरेंज वाली पोर्शन में हिस्सा है, ऑरेंज रेक्टेंगल में जो इसका पार्ट है, वो ऑरेंज रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इस ट्रायंगल का जो ग्रीन एरिया में पार्ट है, वो ग्रीन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी, पार्ट ऑफ द ट्रायंगल या एरिया पहले देखते हैं, एरिया ऑफ द ऑरेंज रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो पार्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन द ऑरेंज rectangle is equal to 12 divided by 2 is equal to 6 square centimeter. ये कैसे आया समझ लो दोबारा बेटा, area of the orange rectangle is 12 square centimeter. जो orange rectangle है इसका पूरा area है 12 square centimeter. तो उसके अंदर जो triangle है, so area of the triangle in the orange rectangle, इसमें जो triangle बन रहा है उसका एरिया हो जाएगा, एरिया उसको हाफ हो जाएगा, रेक्टेंगल का हाफ ट्रायंगल, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ऐसे ग्रीन वाले का कर लेते हैं, एरिया ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन द ग्रीन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अब जो ट्राइंगल ऑरेंज पार्ट में था उसका एरिया आया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो ट्राइंगल ग्रीन पार्ट में था उसका एरिया आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल, तो पूरे रेड ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड 6 एंड 4 इज
10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है ना, दिस वॉज ऑल्सो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ब्लू वन एंड द रेड वन इज ऑल्सो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. और अगर आप चाहो इसको तो आप जैसे हमने पहले किया था, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, वैसे भी आप इसको कर सकते हो. अगर वैसे करेंगे तो देखो रेड ट्रायंगल में दिस इज हाफ, दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज मोर देन हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज लेस देन हाफ, मोर देन हाफ, कंप्लीट, लेस देन हाफ, कंप्लीट, मोर देन हाफ. सो वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कंप्लीट स्क्वायर्स आर देयर प्लस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट लाइक दिस. एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर्स. हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स वर देयर? 1, 2, 3, 4 and 5 दिस इज ऑल्सो कंप्लीट ना. 1, 2, 3, 4, 5, 5 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ कितने हैं? ये मोर देन हाफ है ना, हाफ थोड़ा इधर है. 1, 2, 3, 4 फोर मोर देन हाफ स्क्वायर्स प्लस हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? पूरे हाफ हैं जो पूरा हाफ तो हमें ये 1 है एंड 1 ही दिख रहा है हमें ये वाला है ना 1. सो दिस इज 5 प्लस मोर देन हाफ इज 4 प्लस हाफ इज 1/2 स्क्वायर. 1 का हाफ कितना होगा? 0.50 होगा. सो 5 + 4 = 9, 9.5. और जो छोटा मोटा यहाँ पे जैसे ये लेस देन हाफ था, ये लेस देन हाफ था, ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है बेटी, समझ में आ गया आपको? जो ये रेड ट्रायंगल था, ये रेड ट्रायंगल इस ऑरेंज को रेक्टेंगल को आधा बांट रहा था और इस ग्रीन रेक्टेंगल को आधा बांट रहा था. ठीक है, तो हमने जो देखा कि जो ऑरेंज रेक्टेंगल है ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो इसका आधा 6 और ग्रीन रेक्टेंगल जो है वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका आधा 4, 6 × 4 = 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. और जब हमने इनको कंप्लीट स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर और हाफ स्क्वायर के रूप में किया तब भी अप्रॉक्सीमेटली 10 ही आया, बल्कि हमने उसको लेस देन हाफ को इग्नोर कर दिया था, उसको भी अगर हम गिन लें तो पूरा ही 10 आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पेज. Yes, you are right. And you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. तो ये सादिक बोल रहे हैं, हाँ जी दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे थे. और आपको मालूम है कि जैसे हमने ये 10 square centimeter के दो triangles draw किए हैं, ऐसे ही आपके square grid में और भी बहुत सारे triangles draw कर सकते हो जो कि 10 square centimeter के हैं. आप कर लोगे ना बेटा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं. हेल्प सादिक इन फाइंडिंग सम मोर सच ट्रायंगल्स, ड्रॉ एटलीस्ट फाइव आप और ड्रॉ करना, फिर मुझे बताना. कंप्लीट द शेप, अभी शेप को हमें कंप्लीट करना है. सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ अ शेप, शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद टू मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे आप स्क्वायर ग्रिड में देख रहे हो एक शेप की टू साइड्स ड्रॉ की है सुरुचि ने. ये सुरुचि है और ये आसिफ है.
सुरुचि ने एक शेप के टू साइड्स ड्रॉ कर दिए और उसने आसिफ से कहा, चलो चलो मुझे इसको कंप्लीट करके दिखाओ, लेकिन उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। आसिफ ने उस शेप को ऐसे कंप्लीट किया। सो सुरुचि पूछ रही है, हाउ डिड यू डू दिस, आपने कैसे किया? आसिफ ने कहा, ओ दैट्स ईजी, इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिलो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ माई शेप इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आसिफ कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ग्रीन एरिया को देखो तो ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 कम्प्लीट 2 कम्प्लीट, 2 हाफ्स एक और हो गया 3, और ये 2 हाफ्स 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की शेप होगी ग्रीन वाली, और नीचे 1 कम्प्लीट 2 कम्प्लीट 3 कम्प्लीट स्क्वायर्स, 1 मोर देन हाफ 4, एंड दिस इज़ मोर देन हाफ 5, एंड दिस इज़ मोर देन हाफ 6, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का येलो एरिया और 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का ग्रीन एरिया, तो 6 एंड 4 कितना हो गया, 10। ठीक है, इज ही करेक्ट? क्या वो सही कह रहे हैं बच्चे? यस ही इज करेक्ट, यस। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ कैसे ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का हुआ और येलो एरिया 6 का? करके दिखाएं आपको, करके दिखाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। ग्रीन स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1, 2, 2 complete squares, 2 complete plus 1 half, 2 halves, 3 halves, 4 halves, 4 half squares. 2 complete square means 2 plus 4 half means 4 by 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4. 2 plus 2 is equal to 4 square centimeter. We have na green triangle. Now area of the येलो ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल को काउंट कर लेते हैं। कंप्लीट कितने बेटे इसमें, 1 complete 2 complete 3 complete squares, 3 complete squares प्लस दिस इज मोर देन हाफ, 3 more than half squares. आपको मालूम है जो मोर देन हाफ स्क्वायर्स होते हैं, हाफ से ज़्यादा, उनको हम 1 ही गिनते हैं, और जो लेस देन हाफ होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 3 complete plus 3 more than half is 3 plus 3 is equal to 6 square centimeter, हो गया ना 4 and 6, तो कंप्लीट फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ द शेप, पूरी शेप का एरिया कितना हो जाएगा, ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। बन गया ना एक और शेप 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया बेटा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, और जब आपको कुछ समझ में ना आए मान लो, तो आप उसको रिवाइंड, आपको पता है रिवाइंड करके भी आप सुन सकते हो बेटा। नाउ द नेक्स्ट पेज, ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली। तो ये बच्चा बोल रहा है, अच्छा मैंने सोचा था मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ, ऐसे करता हूँ। उन्होंने ऐसे बनाया ना बच्चे ने, इस शेप को ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सुरुचि कह रही है, मैं तो ऐसे करने की सोच रही थी, ऐसे भी 10 आ जाता है, तो इस सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया, एक्सप्लेन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप, ट्राई सम अदर वेज योर सेल्फ, नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस, एवरी टाइम गेस्ट कम होम आई आस्क देम टू डू दिस बट वाई डू दे रन अवे। अब इसको समझ लेते हैं। तो सुरुचि कह रही है, मैंने तो ऐसे करने की सोची थी कि ऐसे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ सकते हैं, तो इस सुरुचि करेक्ट? क्या सुरुचि सही बोल रही है?
हाउ मच इज द ब्लू एरिया, तो ब्लू एरिया कितना है, लेट्स सी, अभी देख लेते हैं. पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, हाउ मच इज द ब्लू एरिया, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट. Area of blue part. Blue part का area. So पहले देखते हैं number of complete squares कितने हैं. This is more than half. Complete, complete. More than half. More than half. Less than half. So let's see. Area of the blue part is equal to how many complete squares are there? 1, 2. 2 complete squares. Plus how many more than half were there? 1, 2, 3, 4. 4 more than half, hai na? Par half to koi bhi nahi hai. Plus 4 more then half squares. 2 complete squares plus 4 more than half squares is equal to 6 square centimeter. Area of the blue part is 6 square centimeter. So is Suruchi correct? Where is my pencil? Is Suruchi correct? How much is the area? How much is the blue area? Answer is blue area is 6 square सेंटीमीटर. इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चे, वो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है. कंप्लीट स्क्वेयर्स प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वेयर्स, 2 + 4, 6 स्क्वेयर सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप. अब ये दो तरीके तो आपको बता दिए, 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये ब्लू एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक शेप ये है, एक ऐसी बनाई बच्चे ने. अब आप भी अपने आप स्क्वायर सेंटीमीटर में ट्राई करो, ग्रिड में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का कुछ भी बनाओ शेप, ठीक है बेटे. सो ये बच्ची बोल रही है, एवरी टाइम गेस्ट कम होम, जब भी गेस्ट घर में आते हैं मैं उनको बोलती हूँ मैं बनाओ शेप, तो वो भाग जाते हैं, वो रन अवे, उनको आता नहीं है. क्यों नहीं आती है, तो इतना ईजी है, आप भी करके देखो, और अपने घर में गेस्ट हैं उनसे भी पूछना. ओके, नाउ इज द प्रैक्टिस टाइम. बेटी वैसे तो ये प्रैक्टिस टाइम आपके खुद की प्रैक्टिस करने के लिए है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ शेप. ये एक शेप की एक साइड है, किसी भी शेप की. कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपने इस शेप को ऐसे कंप्लीट करना है कि इसका एरिया आए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ देखो, जो ये शेप है, अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लें, तो ये 1 and 2 halves, 1 and 1, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का इतना पार्ट है. अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर दें, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट सो यू कैन ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ. इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका बताया तुम बेटे, यहाँ पे जैसे ये है ना, दिस इज़ 1 कम्प्लीट स्क्वायर एंड 2 हाफ्स, 1 and 1, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका मिरर हाफ अगर कर देंगे इस साइड, तो वो 2 and 2, 4 हो जाएगा. हमने एक ऐसी शेप बनानी है जिसका टोटल एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो यू कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर. सो दिस इज 1 and 1, 2 कम्प्लीट, एंड हाउ मेनी हाफ्स आर देयर, दिस इज हाफ, half, half and half. So 2 complete squares and 4 half squares. Hai na? So area is, how much is the total area? 4 square centimeter. So this is one way of doing it. Aap isko aur tarike se bhi kar sakte ho. Theek hai? So you try yourself. Second, 2 sides of a shape are drawn here. Yahan bhi ek shape ki 2 sides draw ki hui hai. Complete the shape by drawing 2 more sides so that its area is less than 2 square centimeter. यहाँ पे हमको 4 square centimeter area का shape बनानी थी, यहाँ पे less than
टू स्क्वायर सेंटीमीटर की शेप बनानी है। इस शेप को कंप्लीट करना है और इसका एरिया होना चाहिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम। ठीक है, सो लेट्स सी पहले इसका एरिया है कितना। अभी ये हाफ़ है और ये हाफ है, हाफ एंड हाफ 1। अभी जो शेप बनी हुई है उसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका मिरर हाफ बना देंगे, बिल्कुल इसको अपोजिट ऐसा बना देंगे, फिर तो ये बन जाएगा 2 हाफ्स 4 हाफ्स 2 बन जाएगा ना 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको 2 नहीं बनाना, लेस देन 2, तो हम थोड़ा सा छोटा बना देंगे, थोड़ा सा छोटा बना देंगे तो ये 2 बन जाएगा। और भी बहुत तरीके हैं करने के बेटा, लेस देन 2, अगर हम इसे यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये 2 बनेगा। थोड़ा पहले अगर हम इसको ले आएंगे तो ये 2 से कम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 हाफ्स, दिस इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस इज लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, सो दिस इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, आप और भी तरीके से बना सकते हो। तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम बनानी है, 1 की तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको 1.5, 1.75, ऐसे 2 से थोड़ी सी कम। ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट पेज। Here is a rectangle of area 20 square centimeter. ये एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 square centimeter. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Draw one straight line in this rectangle to divide it into 2 equal triangles. हमने यहाँ पढ़ा था ना बेटा कि हमने जब एक रेक्टेंगल को जो डायगोनल्स हैं उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसको ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आप दोनों, चाहे ये वाले डायगोनल्स को डिवाइड ज्वाइन कर लो, ये कॉर्नर्स को ज्वाइन करके डायगोनल बना लो, चाहे दूसरी साइड से बना लो, सो द रेक्टेंगल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। अब ये जो रेक्टेंगल है वो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है ना, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेक्टेंगल का एरिया 20 है तो उसका आधे हैं दोनों ट्रायंगल्स, तो ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का है और ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। अब क्या करना है, हमने ये रेक्टेंगल है, हमने ऐसे डायगोनल ड्रॉ करके हमने 2 ट्रायंगल से बांध दिया। अब अगर हमें ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल, अब इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। इसको 2 बराबर बराबर रेक्टेंगल्स में बांटना है, 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। अब बड़ा रेक्टेंगल को आप 2 रेक्टेंगल से बांटोगे तो वो छोटे छोटे 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स हो जाएंगे ना, अब उनका एरिया कितना होगा। ठीक है, इक्वल रेक्टेंगल से बांटेंगे, बड़ा रेक्टेंगल 20 का तो उनका एरिया भी देखते हैं। पहले तो बांटते हैं इनको, इस रेक्टेंगल को स्मॉलर रेक्टेंगल से बांटने के लिए हम यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ना, अभी 2 रेक्टेंगल्स बन गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। सो बताओ कितना होगा इनका एरिया। कंप्लीट रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और छोटे छोटे 2 रेक्टेंगल्स बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला,
इनका एरिया कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये वाला रेक्टेंगल है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स। हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी इस रेक्टेंगल में ताकि वो दो इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाए। वॉट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स? तो स्मॉलर रेक्टेंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 2। 20 स्क्वेयर सेंटीमीटर का बड़ा रेक्टेंगल था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ हाफ हो गया ना बेटे। सी पार्ट, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स। ये भी एक गेम है। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स, अब आपने दो स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू वन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होना चाहिए एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स। ये जो रेक्टेंगल है इसमें आपको दो लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करके आपने इसको एक रेक्टेंगल बनाना है और दूसरे वाले को दो बराबर बराबर ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको हमने एक लाइन तो हमने ये कर दिया, अब हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका हाफ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दिस इज वन रेक्टेंगल, ये बन गया वन रेक्टेंगल और जो बाकी का रेक्टेंगल बच गया, ये वाला रेक्टेंगल बच गया, इसको हम बना देंगे टू इक्वल ट्राइंगल्स। इसको हम डायगोनल को हाफ ऑफ कर देंगे तो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है। मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ बेटे थोड़ा सा। इसके पार्ट्स भी आ गए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? अब जो आपने टू रेक्टेंगल्स बनाए थे, एक रेक्टेंगल था और बाकी दूसरे वाले पार्ट को आपने टू इक्वल ट्रायंगल्स बनाए थे, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 20 का हाफ था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स? अब जो आपने बाकी दूसरे रेक्टेंगल के हाफ ऑफ किए थे, ये 10 था, ये 10 था, ये 10 के भी आधे हो गए ना, तो इन ट्रायंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 1, 2 कंप्लीटेड, मोर देन हाफ 3, मोर देन हाफ 4, मोर देन हाफ 5, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको फटाफट एक बार समझ लेते हैं बेटी। यहाँ पे क्या था? एक रेक्टेंगल था, बस ये लास्ट है, इसके बाद कल करेंगे। ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है बेटा, ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ये था आपका 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल। तो फर्स्ट पार्ट था, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। कि आप इस रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ करो और इसको दो बराबर बराबर ट्राइंगल्स में बांट दो। तो हमने इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया और हमने इसको टू इक्वल ट्राइंगल्स में बांट दिया। तो ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का था रेक्टेंगल, तो इसके हाफ हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए ना, 20 का हाफ 20 डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने एक बड़े रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू ट्राइंगल्स में और हर एक ट्राइंगल का एरिया हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस वॉज द ए पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है? ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स। अब वो कह रहे हैं बी पार्ट में फिर से आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैंने थोड़ा अलग अलग करके तीनों पार्ट्स बता रही हूँ बेटे आपको। सो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 एंड 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ये आपके पास फिर से एक रेक्टेंगल है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स. अब आपने इसको टू इक्वल रेक्टेंगल से बांटना है. यहाँ पे टू इक्वल ट्रायंगल से बांटा था ना, अब आपको टू इक्वल रेक्टेंगल से बांटना है. तो रेक्टेंगल से बांटने के लिए आप ऐसे सेंटर में एक लाइन खींच दो, बन गए ये दो रेक्टेंगल्स, है ना. एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक रेक्टेंगल ये बन गया. तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर को सेंटर में एक लाइन खींच दी तो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल हुआ. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स. एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये वाला रेक्टेंगल हो गया. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये वाला रेक्टेंगल हो गया. नाउ द सी पार्ट. ठीक है, ए पार्ट में कहा था दो इक्वल ट्रायंगल्स में बांटो, बी पार्ट में कहा था दो इक्वल रेक्टेंगल से बांटो, सी पार्ट में कह रहे हैं फिर से एक आपके पास वही वाला रेक्टेंगल है. मैं अलग अलग करके बता रही हूँ तीनों, यहाँ पे तो हमने एक में ही करना है ना फिगर में, अलग अलग करके बता रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है. सी पार्ट है ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस. दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है इस रेक्टेंगल में. एक लाइन डिवाइड करेगी टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स. तो एक लाइन ड्रॉ करे इसको डिवाइड करेगी रेक्टेंगल में और दूसरी लाइन डिवाइड करेगी टू इक्वल ट्रायंगल्स में. ठीक है, तो हम इसको वन स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस ड्रॉ करनी है इसमें. 1 2 3 4 5 ये हो गया एक हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल. एक लाइन से हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. इस बड़े रेक्टेंगल को हाफ में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो वो रेक्टेंगल बन गया. और बाकी को हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन से हम इसको टू इक्वल ट्राइंगल से बांट देंगे. अभी हो गए तुम्हारे दो इक्वल ट्राइंगल्स. क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब ये बड़े 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का हाफ है ना ये वाला रेक्टेंगल, एरिया वही हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट था व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स. अब जो ये ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया कितना है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल था, बाकी 10 बचा था ना, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5. 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्यों हुआ ये 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल था जिसको ये डायगोनल टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे. ठीक है बच्चे, आई होप यू एंजॉयड द गेम एंड मिलते हैं फिर कल एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.